बुढ़िया, वो रोज मंदिर आती थी और मंदिर आकर के रोज दो केले चढ़ाती थी। और केले कौन से, जो काले पीले पड़ जाते थे, जिनको घर में कोई नहीं खाता। बचे बचाए जो ठेले पर आखिरी में बचते हैं, भैया कितने का दोगे, बोला अरे मैया ऐसे ले जाओ, ये तो बच गए हैं। बोले अच्छा दे दो, हम पंडित जी को दे देंगे। तो उठा करके ले आती और मंदिर में चढ़ा देती। अब वो बुढ़िया रोज आती क्यों थी मंदिर नियम से, क्योंकि उसकी बड़ी सुंदर बहू थी, बहुत सुंदर गोरा गोरा बेटा, लेकिन कोई उनके पोता नहीं था, पोती नहीं थी, संतान नहीं थी। 8-10 महीने बीते, 10-11 महीनों के बाद वो बुढ़िया जब 2-3 महीने नहीं आई, तो पंडित जी को चिंता हुई, बोली बुढ़िया आई क्यों नहीं। 3-4 महीने और बीते, 13-14 महीने यानी 1.5 साल बाद वो बुढ़िया आई, तो गोदी में अपने पोते को लेकर आई। तो पंडित जी ने कहा कि माई ये किसका बेटा है, ये किसको ले आई तुम, इतनी गोरी तुम, इतने गोरे तुम्हारी बहू, इतना गोरा तुम्हारा बेटा, एक काला कलूटा, ये नीला पीला, ये किसका पोता है। बोले अब क्या बताएं, शंकर जी से रोज मांगते थे तो ऐसा ही दे दिया। तो पंडित जी ने कहा है, शंकर जी ने नहीं दिया, आप जैसे केले चढ़ाती थी ना वैसा ही पोता मिला है। बोले गोविंद भगवान की, शंकर जी तो बड़े दयालु, जैसा दो वैसा ही लौटा देते, तो तुम जैसे केले चढ़ाती थी वैसा ही पोता मिल गया, घर में सब गोरे गोरे और पोता नीला पीला। तो भैया इसीलिए कहते हैं जैसा फल मिले जैसा वैसा ही फल मिले, यहाँ पर जैसा जिसने बोया। तो बुढ़िया शर्मा गई, चली गई और उस दिन के बाद से अच्छे वाले केले लाकर पंडित जी को देने लगी। बोले गोविंद भगवान की। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।